नाक ही नाक है और जहां नाक नहीं वो मुद्दा नाकारा है। ट्रंप ने नाक का ऐसा सवाल बनाया कि कैपिटल हिल में बवाल हो गया और उनके समर्थकों ने सबसे पुराने लोकतंत्र की नाक कटाने में कोई कसर न छोड़ी। तब जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, विलन चीन बजाय शर्मिंदा होने के दूसरे देशों के मामलों में नाक घुसाने का काम कर रहा है और उसे उस सनकी किम जोंग का साथ भी हासिल है, गुस्सा जिसकी नाक पर बैठा रहता है। हालांकि हिंदुस्तान ने कह दिया है चीन ने हिमाकत की तो उसे नाकों चने चबाने पड़ेंगे। वो दिन भी दूर नहीं दिखता कि फिर अपने किए की माफी चीन को दुनिया के पैरों पर नाक रगड़ने से भी ना मिले। इधर किसानों के साथ मामला सुलटता दिख ही नहीं रहा। सरकार अपनी नाक ऊंची रखना चाहती है और किसानों ने तय कर लिया है कि वो अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देंगे। किसानों की आड़ में विरोधी दल भी सरकार की नाक में नकेल डाल देना चाहते हैं। बेचारी नाक बड़ी परेशान है, उसे आराम नहीं मिल रहा। पहले कोरोना के टेस्ट ने उसे सुझा दिया था और अब कहा जा रहा है नेजल वैक्सीन आ रही है, वो भी उसी में दी जाएगी। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।